सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आप लोग का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आप लोग को टाइटल देख के तो पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल हम वहाँ जाते हैं, फिर आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहना। क्या यार, बारिश ने तो पूरा एकदम जगह गंदा करके रख दिया। हर कोई घूर घूर के देख रहा है गाइस, रिएक्शन देखो। अभी मेन रोड से उठ गए हैं, तो ये है मिशन सहेली। तो इस तरफ है मिशन हॉस्पिटल, बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल है इस तरफ। तो अभी हम सीधा जाके फिर जाएंगे। और एक शॉर्टकट है उस तरफ, तो हम उस रास्ते पे काम चल रहा है, तो उस रास्ते से नहीं जा सकते। तो अभी हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा। कोई नहीं, क्या ट्रैफिक है यार, संडे को भी इतना ट्रैफिक है। तो हम इस रास्ते से सीधा जाने पर हम पहुँच जाएंगे। इसी रास्ते से हम लोग टकला पहाड़ भी जा सकते हैं, और फिर एक टेंपल भी है इस तरफ। टेंपल का नाम मुझे याद नहीं ठीक से, हम वो जगह भी कवर करेंगे कुछ दिनों में। सबसे पहले अभी हम देव सिंह घाट जाएंगे। बहुत दिन हो गया मैं देव सिंह घाट नहीं गए। रास्ता में पीछे छोड़ आ गया, रास्ता पीछे छोड़ दिया। लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने से देखो क्या नज़ारा है गाइस, क्या मस्त व्यू पॉइंट है ना। अगर आप लोग आना चाहो तो इसी रास्ते से ना, क्या जगह है यार। कितना मज़ा आ रहा है संडे राइड करने में यार, कितने मतलब रास्ता ख़राब है, ऑफ रोडिंग जैसा ही हो रहा है। और हम चला रहे हैं अपनी बाइक NS 200, यानी कि जन्नत को लेके आए आज हम। यही मेरी जन्नत है, सबसे प्यारी जन्नत मेरी ना समीर भाई, यही मेरा जन्नत है ना। करो तो ये रहा, ये ब्रिज हमको मिल गया। तो ब्रिज पार होने के बाद ही रास्ता है, कुछ इस तरह जगह पे पहुँचे। ये जगह का नाम मुझे याद नहीं है, पर थोड़ा सामने से लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। तो ये रहा, हाँ इस तरफ से जाना पड़ता है। तो लिखा हुआ भी है देव सिंह घाट करके लिखा हुआ, इस तरफ से जाना पड़ता है। हो गया है 12:08, तो हम पहुंच ही गए लगभग। थोड़ा ही है, मैं देव सिंह घाट जाके ज़्यादा देर नहीं करूँगा, थोड़े मतलब आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा, तो कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लूँगा। और तो सामने है देव सिंह घाट, यही तो है देव सिंह घाट। तो गाइस हम पहुंच गए देव सिंह घाट, यार क्या मस्त लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत ही मजा यार, लग रहा है। कई बार घूमने आए हैं बोल के ना। ओके यार, क्या जगह दिखाने के लिए लेके आया यार। क्या जगह, नहीं मैं यहाँ पर पापा के साथ आता था पहले। अच्छा, क्या है कुछ भी
कुछ भी नहीं, जब मैं यानी कि 14 साल का था ना तो पापा के साथ आता था यहाँ, तो आज मैं इस मुकाम में हूँ, खुद अकेले आ रहा हूँ। देखो क्या मस्त जगह है गाइस। मैं कम से कम 3 साल बाद आ रहा हूँ। पानी ज़्यादा में क्यों घूम रहा? बारिश हुआ है ना। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं देवसिंह घाट। अभी आप लोग को थोड़ा व्यू दिखाता हूँ देवसिंह घाट का, और कुछ फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। अगर फ़ोटो वगैरह दिखना हो मेरा तो इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल आप लोग को मैं नज़ारा दिखाता हूँ। पहले हेलमेट को उतारते हैं और फिर व्यू दिखाते हैं। हम देवसिंह घाट पहुँचे ही थे तो ये देखो नज़ारा, पूरा एकदम पानी है, बारिश की वजह से पूरा पानी हो गया इस बार। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, रुको तो नज़ारा। तो देवसिंह घाट यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट में बताना। कितना सुंदर जगह है ना यार, शांति है पूरा, मतलब यहाँ पर आके बैठने का जगह ही मस्त है, एकदम शांति है। थोड़ा आगे तक जाते हैं और आप लोग को थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। ये देखो वाटर सप्लाई इधर है। तो अभी मैं देवसिंह घाट पहुँचा हूँ, कितना मस्त लग रहा है। थोड़ा उस तरह जाते हैं जहाँ पर मैं पापा के साथ मछली पकड़ने आता था ना, तो वहाँ पर चलते आ जाओ समीर, तो उधर चलते। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, पापा के साथ मैं जहाँ मछली पकड़ने आता था ना, तो वो जगह उस तरफ है, तो आप लोग को मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ। बहुत बड़े बड़े चट्टान है, मतलब कि पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, उसमें बैठ के हम फिशिंग करते थे। तो अभी मैं उसी जगह जाता हूँ। मैंने सुना था कि बारिश की वजह से वो पत्थर कुछ मतलब पानी एकदम पूरा पानी हो गया। पहले जब मैं आया था इतना पानी नहीं था, हम नीचे उतर सकते थे, इस बार मतलब एकदम पूरा पानी हो गया, उतरने का जगह ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही देख सकते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो ये जो जगह है ना, यहाँ पर मैं इतना पानी नहीं था, यहाँ पर उतर के फिशिंग कर सकता था, पर अभी एकदम पूरा पानी पानी हो गया। थोड़ा आगे दिखाता हूँ, तो वहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ गाइस, मैं वहाँ तक अभी नहीं जाऊँगा। वो जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पर मैं पापा के साथ फिशिंग करने आता था। तो अभी तो पूरा पानी हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ये देखो पीछे का व्यू कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग से पूरा दिखा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि देवसिंह घाट। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।